सबको शुभोदय बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। वो है पद्य भाग में कबीर के दोहे। ओके, पहला है कवि परिचय। संत काव्य धारा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं भक्ति खाली निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म काशी में सन 1399 में हुआ था। कब हुआ था? 1399 में हुआ था। नीरू एवं नीमा नामक जुलाह दंपति ने आपका मतलब कबीरदास आपका पालन पोषण किया। कबीर अनपढ़ थे किंतु वे आत्मज्ञानी थे। रामानंद जी के शिक्षकों से प्रभावित कबीरदास जी को कुछ लोग रामानंद का ही शिष्य मानते थे। किसका शिष्य मानते थे? रामानंद का शिष्य मानते थे। एक दूसरा मत उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य माना था। कुह कबीर में 100 गुरु पाया। जाका नाम विवेक रे के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि कबीरदास जी किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं थे। ठीक है, और थोड़े लोग मानते थे कि वो किसी के भी शिष्य नहीं थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता भौतिक एवं आत्मिक परिष्कार शुद्ध प्रेम सच्चाई सद्सादगी आदि पर बल दिया था। ठीक है, किस पर बल दिया था? शुद्ध प्रेम सच्चाई सादगी आदि पर बल दिया था। और उनका मृत्यु सन 1518 में हुआ था। कब हुआ था? 1518 में हुआ था। अभी इनके दोहे हम पढ़ेंगे। इसके दोहे कबीरदास। सद्गुरु के परपात ते मिटी गई सब दुख दर्द। कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। ठीक है, अभी मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगी। कबीरदास इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं। क्या करते हुए बताते हैं? कबीरदास जी यहाँ अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिल जाने से सारे दुख और दर्द मिट जाते हैं। ठीक है, अगर हमें सच्चा गुरु मिल जाता है तो हमारा दर्द पूरा मिट जाता है। कबीर के अनुसार जब गुरु उन्हें रामानंद जैसे सच्चे गुरु मिल गए तो उनकी सारी दुविधाएं मिट गई। ठीक है, इनके अनुसार कबीरदास जी के अनुसार जब उन्हें रामानंद गुरु जैसे मिले थे तब उनके सारे दुख मिट गए। ठीक है, सद्गुरु के परपात ते मिटी गई सब दुख दर्द। कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। ठीक है, और एक बार आपको मैं सुनाऊंगी। कबीरदास इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि अगर हमें सच्चा गुरु मिल जाता है तो हमारे जिंदगी का दुख और दर्द दूर हो जाता है। जैसे ही कबीरदास जी को रामानंद जैसे गुरु मिले थे। ओके, इसलिए ही उनके जीवन में सारे दुख और दुविधाएं मिट गई थी। ठीक है, इस दोहे का अर्थ क्या है कि अगर हमें सच्चे गुरु मिल जाए तो हमारे जिंदगी का दुख दुविधाएं मिट जाएगा। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और परमात्मा दोनों एक ही साथ खड़े हैं। ठीक है, गुरु और परमात्मा एक ही साथ खड़े हुए हैं तो आप किसे महत्व देंगे? तो कबीरदास जी अभी देखेंगे कि किसे महत्व देते हैं। गुरु और परमात्मा दोनों एक ही साथ खड़े हुए हैं। इस दोनों में से मैं किसको प्रणाम करूं? अभी मैं इन दोनों में से किसको प्रणाम करूं? गुरु, मैं आप पर न्योछावर होता हूं। ओके, कबीरदास जी क्या बोलते हैं कि गुरु, मैं आप पर न्योछावर होता हूं क्योंकि आपने मुझे परमात्मा के दर्शन कराए। ठीक है, आपने ही मुझे
परमात्मा के दर्शन कराए। इसलिए गुरु की परमात्मा से भी अधिक महत्व है। ओके, इसलिए गुरु ही परमात्मा से अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, समझ में बच्चों? जैसे कि अगर गुरु और परमात्मा एक ही साथ खड़े हो तो आप किसे प्रणाम करेंगे? कबीरदास जी इस दोहे में क्या कहते हैं कि अगर गुरु और परमात्मा दोनों एक ही साथ खड़े होते हैं तो वो गुरु को ही प्रणाम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा के दर्शन किए, इसलिए वह गुरु को ही महत्व देते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, इन दिन ऐसो होएगो मैं रो दूंगी तोए। इस दोहे में कबीर मनुष्य के अहंकार के बारे में कहते हैं कि माटी कुम्हार से कहता है कि तू मुझे क्यों रोंद रहा है। ठीक है, इस दोहे में कबीर क्या कहते हैं? कबीर मनुष्य के अहंकार के बारे में कहते हैं। ठीक है, माटी कुम्हार से कहता है, अभी माटी कुम्हार से क्या कहता है कि तू मुझे क्यों रोंद रहा है। ओके, तू क्यों मुझे रोंद रहा है? ऐसा एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रोंदूंगा, अर्थात जन्म लेने वाला यह मनुष्य एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, मनुष्य के अहंकार के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अभी माटी कुम्हार से बोल रहा है। माटी कुम्हार मतलब जो मिट्टी का बर्तन बनाता हो, तो उसे क्या कहते हैं कि माटी कुम्हार से कहता है कि मुझे क्यों रोंद रहा है? अगर रोंदेंगे तो ही अच्छा बर्तन आएगा, इसलिए वो कहता है कि तू क्यों मुझे रोंद रहा है? एक दिन ऐसा आएगा कि तू मुझे रोंदेगी, अर्थात मतलब जन्म लेने वाला यह मनुष्य एक ना एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना चाहिए। ओके, निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी, चबाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। अपने निंदक को सदा अपने समीप रखो, रख सको हो तो रखो, तो अपने आंगन में ही एक कुटिया बनाकर दो। उसके पास रहने से हमको यह लाभ होगा कि वह बिना पानी साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। ठीक है, वो क्या करता है, निंदक को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। ठीक है, अपने पास ही रखना चाहिए, हो सके तो हमारे पास ही, हमारे घर के पास ही एक कुटिया बनाकर उसे रहने दो। अगर वो हमारे निंदक हमारे पास रहता है तो हमें साबुन और पानी की साफ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मन में डर रहता है कि वह हमें निंदक अगर हम गलती करेंगे तो वह हमारी निंदा करेगा। ठीक है, स्वभाव को हम स्वच्छ बना देगा, हमारे स्वभाव को भी वह बिना साबुन और पानी के स्वच्छ बना देगा। हम उसके द्वारा निंदा होने के भय से कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वह निंदक हमारे पास होता है तो हमें डर होता है कि अगर हम कुछ गलती करेंगे तो वह हमारी निंदा करेगा, इसलिए अगर वो हमारे पास होगा तो हमें एहसास होगा कि कोई बुरा कार्य हम नहीं करेंगे। ओके, कस्तूरी कुंडली बसे मुर्ग ढूंढे बन माह, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नाही। ओके, कस्तूरी नाम सुगंधित वस्तु मृग की नाभि से ही होती है। ठीक है, कस्तूरी नामक वह एक सुगंधित वस्तु है जो वह एक मृग की नाभि में ही वह मिलती है, परंतु उसे जंगल में खोजते फिरते हैं। परंतु उसे हम जंगल में ही कोचते ही फिरते हैं। किसे हम कोचते फिरते हैं? कस्तूरी नामक सुगंधित वस्तु को।
उसी प्रकार ईश्वर सबके हृदय में होता है, निवास करता है, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। ठीक है, अभी इस दोहे का अर्थ क्या है? कस्तूरी नामक एक वस्तु है, सुगंधित वस्तु है, वह एक जंतु के नाम में ही बसता है, इसलिए लोग उसे ढूंढते जंगल में जाते हैं। ओके, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सबके दिल में बसता है, ठीक है, लेकिन लेकिन मनुष्य उसे पहचान नहीं सकते। ईश्वर सबसे सबके हृदय में होता है, बसता है, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। बहुत धनिक की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नहीं विश्राम। मैं तुम्हारे नाम रट्टी हुई दिनों अर्थात ना जाने कब से तुम्हारी आने का मार्ग देख रही हूँ। मन तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है और मन से उसके बिना शांत नहीं है। ठीक है, क्या करता है? मैं तुम्हारा नाम रटती हुई फिरती हूँ, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम रटती हुई फिरती हूँ, अर्थात ना जाने कब से तुम्हारे आने का मार्ग देख रही हूँ। ठीक है, अर्थात कब से और तुम्हारे मतलब ईश्वर के आने का मार्ग देख रही हूँ, तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ। ठीक है, तुमसे मिलने के लिए भी बहुत व्याकुल हूँ और मन से उसके बिना और मन भी उसके बिना शांत नहीं है। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। ठीक है, जहाँ दया है वह धर्म है। ठीक है, जहाँ दया है वह धर्म भी है और जहाँ लोभ है वह सदा पाप भी है। ठीक है, जहाँ लोभ भी है वह पाप भी है। उसी प्रकार जहाँ क्रोध है वह काल का निवास भी है, जहाँ क्रोध है वह काल का भी निवास है और जहाँ श्रमशील प्राणी है वह ईर्ष्य निवास भी करता है और जहाँ श्रमशील प्राणी है वह ईर्ष भी निवास करता है। देखिए और एक बार मैं सुनाती हूँ। जहाँ दया है वह धर्म है, जहाँ दया है वह उसके पास धर्म भी है और जहाँ लोभ है वह सदा पाप भी है। जहाँ लोभ है सदा वह पाप भी है। इसी प्रकार जहाँ क्रोध है वह काल का भी निवास है, जहाँ क्रोध है वह काल का भी निवास है और जहाँ श्रमिक प्राणी है वह ईर्ष्य का भी निवास होता है। काल कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय प्रलय होएगा, बहुरी करे कब। ठीक है, आज करे सो कल करे सो आज कर। ठीक है, जो हम कल करने के लिए सोचते हैं वह उसे तुरंत आज ही करना चाहिए और आप आज करे सो आप कर। ठीक है, आज करे सो जब हम सोचे कि आज मैं यह काम करूंगा तो उसे अब ही करना चाहिए, पता नहीं बाद में क्या होगा, अगर शायद प्रलय हो जाएगा तो हम यहाँ हमारा काम बाकी रह जाएगा। इसलिए दोहे कबीरदास जी बोलते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पता नहीं अगर प्रलय हो जाएगा तो वह काम बाकी रह जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में करे ना कोई। मनुष्य जब दुख होता है तो भगवान का स्मरण करते हैं और जब दुख सुख होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। ठीक है, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करते हैं, भगवान को हम दुख में ही याद करते हैं, सुख में हम कभी याद नहीं करते। इसलिए कबीरदास जी बोल रहे हैं कि हमें भगवान को दुख में जैसा हम ध्यान करते हैं, सुख में भी भगवान का ऐसे ही ध्यान करना चाहिए।
जब मनुष्य दुखी होता है तो भगवान का स्मरण हमेशा करता है इसलिए, और जब सुखी होता है तो उसे भूल जाता है, इसलिए हमें दुख में भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है, संतजन की जाति मत पूछो, संतजन की जाति हमेशा पूछनी नहीं चाहिए, उनके उनसे हम क्या पूछना चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में हम पूछना चाहिए, जाति के बारे में मत पूछो, उनके ज्ञान के बारे में पूछो, उनके ज्ञान के बारे में पूछो। तलवार को खरीदते समय सिर्फ तलवार का ही मोल भाव रहने उसका खरीद सकते हैं। हम पहले तलवार खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं, तलवार ही देखते हैं, उनका उसका म्यान नहीं देखते। सिर्फ तलवार का ही मोल भाव खरीदते समय मोल भाव करो, उस समय तलवार रखने के कोष को पड़ा रहने दो, उसका मूल्य नहीं किया जा सकता। ओके, जब भी हम तलवार खरीदते हैं तो उसका तलवार के ऊपर ही ध्यान दो, उसके म्यान पर नहीं। इसलिए कबीरदास जी बोलते हैं कि हम भी संत के जाति के बारे में कभी पूछना नहीं चाहिए, उनके ध्यान के बारे में पूछो। ठीक है बच्चों, ये 10 दोहे मैं समझती हूँ कि ये 10 दोहे आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, और आपके पास टेक्स्ट बुक होता है तो और एक बार ये पूरा दोहे और एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।